हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वर्षा। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेट लॉस करने के दो बेहतरीन टिप। एक मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह सिर्फ पानी से आप अपना वेट लूज कर सकते हैं, और दूसरा बनाऊंगी आज मैं वेट लॉस पाउडर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन वीडियो जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज के टाइम पे वेट लॉस सबसे बड़ा इश्यू बना हुआ है। ना चाहते हुए भी हमारी डेली की रूटीन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमें बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है। कई बार हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो क्या करें ऐसा कि वेट लूज हो जाए? बहुत बार देखा गया है कि जिम, डाइट, एक्सरसाइज करने के बाद भी वेट लूज नहीं होता है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही बेनिफिशियल टिप शेयर करूंगी वेट को लूज करने के और वेट को मैनेज रखने के। अगर आप नॉर्मल वेट हैं तो आप कैसे अपने वेट को कंट्रोल करके रखें, और अगर ओवर वेट हैं तो कैसे आप उसको लूज करें। वेट लूज करने के लिए सबसे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें अपनी लाइफ में चेंज करनी चाहिए, वो है पानी पीने का तरीका। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अक्सर बोला जाता है कि दिन में इतने ग्लास पानी पियो तो अच्छा होता है, इतने लीटर पानी पियो तो बॉडी के लिए अच्छा होता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि गलत तरीके से पानी पीने से वजन भी बढ़ता है? अगर आप लगातार गट गट करके पानी पीते हैं, खाना खाने के जस्ट एकदम बाद आप पानी पी लेते हैं, तो आपका वजन बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अगर अपने वजन को कंट्रोल करना है तो आपको गटगट करके खड़े होकर पानी पीना बंद करना पड़ेगा। आराम से, तसल्ली से बैठ के आपको सिप सिप करके पानी पीना चाहिए। जिस तरह से आप चाय, कॉफी पीते हैं, दूध पीते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आराम से बैठ के आपको खाना खाने के एटलीस्ट एक घंटे के बाद सिप सिप करके आराम से पानी पीना चाहिए। ऐसा करने से आप खुद देखेंगे कि एक महीने के अंदर अंदर आपका वेट लूज हुआ है और आपका वेट काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। और इसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी एक टिप वेट को लूज करने के। चलिए बनाना शुरू करते हैं बढ़िया सा वेट लॉस के लिए एक इफेक्टिव पाउडर, जिसके लिए मैंने रख लिया है एक पैन। और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। अलसी के बीज बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं वेट लॉस के लिए। मुझे लेने हैं 3 चम्मच अलसी के बीज, और हम करेंगे इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कम से कम 3 से 4 मिनट तक, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मॉइस्चर होता है। तो आप इसे डायरेक्टली ऐसे पीस नहीं सकते। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे कि इसको गर्म क्यों किया या हमें 3 से 4 मिनट तक भूना क्यों है, क्योंकि ये इजीली पाउडर की फॉर्म में नहीं बनेगा अगर आप इसको इस तरह से पहले भूनेंगे नहीं। अलसी के बीज में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि आपकी बॉडी से मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, आपकी बॉडी से वेट लूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप डेली अपनी डाइट में 1 चम्मच अलसी का पाउडर इंक्लूड करते हैं तो ये बहुत हद तक आपके वेट को कंट्रोल करने में काम आता है। ना सिर्फ वेट, ये आपकी बॉडी को हर चीज से स्ट्रेंथ देता है, बोन्स को, और अंदर से हेल्थ आपकी अच्छी होती है, खून की कमी को दूर करता है। तो इस तरह से 3 से 4 मिनट तक भूनते भूनते जब आपको लगे कि इसका ये रंग बदलने लग गया है और ये बिल्कुल ड्राई सीड्स हो गए हैं, तब आप फ्लेम को बंद कर सकते हैं। अलसी आपको डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी डाइट में ठंडी चीजों का यूज जरूर करें, जैसे दही, छाछ, क्योंकि गर्मियों में ये बहुत ज्यादा गर्म, वैसे भी इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो गर्मियों में हमें इसके साथ ठंडी चीजों का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखिए, ये भून के इस तरह से तैयार है और थोड़े से डार्क कलर के भी हो गए हैं, और थोड़ा सा आप इसको ठंडा होने देंगे। साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ जीरा। जीरा वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है क्योंकि ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो 2 चम्मच मैं ले रही हूँ जीरा। ध्यान रखिएगा, 3 चम्मच अलसी के बीच में मैंने इंक्लूड किया 2 चम्मच जीरा, और साथ में ही इस पे मैं डाल दूंगी 2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ एसिडिटी का जो इश्यू है उसको भी ठीक करती है। अक्सर देखा गया है कि वेट ज्यादा होने की वजह से हमें एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम आता है, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम आता है, तो ये दोनों चीजें बहुत बढ़िया काम करेंगी। अब हमें पीस कर इसको इस तरह का पाउडर बना लेना है। ये देखिए कितना फाइन पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, शेल्फ लाइफ इसकी बहुत अच्छी है, जैसे कि नॉर्मल कोई भी आप मसाले रखते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। एयर टाइट कंटेनर में रखें, डेली
रोज सुबह नाश्ते से पहले एक चम्मच आपको ये पाउडर लेना है थोड़े से गुनगुने पानी के साथ। चाहे तो आप पानी में मिक्स करके इसको पी लें या फिर इसको आप लेके ऊपर से पानी पी लें, लेकिन पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, वार्म वाटर होना चाहिए। और आप ज्यादा जल्दी अगर वेट लूज करना चाहते हैं तो आप एक चम्मच रात को भी ले सकते हैं डिनर से। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि खाना खाने से एटलीस्ट आधे घंटे पहले आपको इसका सेवन करना है। सुबह ब्रेकफास्ट करने से आधा घंटा पहले आप इसको गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, और आपको साथ में उसके बाद आधे से एक घंटे के बाद आपको कुछ खाना है। अगर आप रात को इसको लेते हैं तब भी आप डिनर से आधा घंटा पहले इसे लें और उसके आधे घंटे के बाद ही आप डिनर करें। ध्यान रखिएगा, अपनी डाइट में ठंडी चीजों को जरूर इंक्लूड कीजिएगा इसको लेने के बाद, दही, छाछ, लस्सी, इस तरह की चीजें। पानी पीने के अपने तरीके को बदल कर देखिए, उसे आराम से सिप सिप करके पीजिए। ऐसा करने से आपका ना सिर्फ वेट कंट्रोल होगा बल्कि अगर आपको घुटनों का प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द रहता है, वो भी ठीक हो जाएगा। खड़े होकर कभी पानी मत पीजिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी अंदर से अपने आप ठीक होने लगेगी। और साथ में आज का बना हुआ वेट लॉस पाउडर जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। ये दोनों चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी आप अपने वेट को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे। बाय बाय।